हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 इजी एंड क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिन्हें कि आप 10-15 मिनट में बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। इन्हें आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे भी इन्हें बहुत शौक से खाते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया फ्रेश मिल्क क्रीम, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और यहाँ पर मैंने लिए आधी कटोरी सूजी, एक बड़ा चम्मच, और इसमें नमक आपको टेस्ट के हिसाब से डालना है, और ये है पास्ता मिक्स सीजनिंग, आप देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके बना लूँगी। इसमें मैंने ये डाल दिया नमक, और ये मैंने ऐड कर दिया पास्ता मिक्स सीजनिंग। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सूजी मलाई टोस्ट बनाने के लिए जो हमारा मिक्सचर है तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने पैन को गैस पर रख दिया है। अब मैंने जो फ्रेश क्रीम का जो मिक्सचर बना के रखा था, उस पर मैं ब्रेड पर स्प्रेड कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारा पैन है जो थोड़ा गर्म हो चुका है, मैं इसमें रख दूंगी। इसको बनाने के लिए पैन में कुछ भी मैंने घी वगैरह कुछ लगाया नहीं है, बटर, इस क्योंकि मलाई से थोड़ा सा घी निकलता है, तो उसी से जो ये ब्रेड है ये सेक जाएंगे दोनों साइड। तो अभी 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इन्हें टोस्ट को पलट के दूसरे साइड से भी सेक दूंगी। तो आप देख सकते कितने अच्छे से टोस्ट सेक गए हैं एक साइड से। अब मैं इन्हें दूसरे साइड से भी ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेकूंगी। तो हमारे सूजी मलाई टोस्ट अच्छे से दोनों साइड से ब्राउन हो गए हैं, तो इन्हें हम प्लेट पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पनीर लिया है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है नमक, और ये लिया है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर। तो इस पनीर में मैं नमक और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दूंगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पनीर सैंडविच बनाने के लिए ये मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है। पनीर के सैंडविच बनाने के लिए मैंने जो पहले से मिक्सचर बना के रखा था, इसके साथ ही मैंने हरे धनिए की चटनी बनाई है, ये फ्रेश अभी भी मैंने बनाई है। तो सबसे पहले मैं इस पर लगा लूँगी ये हरे धनिए की चटनी। हरे धनिए की चटनी से पनीर के सैंडविच में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप बच्चों को दे रही हैं और हरे धनिए की चटनी नहीं लगाना चाहती, तो इसकी जगह आप टोमेटो केचप भी लगा सकती हैं। दूसरी ब्रेड पे मैं थोड़ा सा बटर लगा दूंगी। मैं यहाँ पर सैंडविच सेकने के लिए देसी घी का यूज कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से बटर या फिर ऑयल में सेक सकते हैं। सैंडविच एक साइड से अच्छे ब्राउन होने तक ये सिक गए हैं, तो मैंने इन्हें पलट दिया है, जिससे कि दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक जाएं। तो यहाँ पर हमारे पनीर सैंडविच दोनों साइड से अच्छे सिक गए हैं, तो हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। चीज़ सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है चीज़, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर लिया मैंने बटर, और यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा गार्लिक। तो जो बटर है, इसको मैंने थोड़ी देर पहले ही फ्रिज से निकाल के रख दिया था, जिससे कि एकदम सॉफ्ट हो गया है। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा गार्लिक,
इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीज़ गार्लिक सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले जो ये गार्लिक वाला बटर है हम एक ब्रेड पर लगा लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर से हम इस पर चीज़ रखेंगे। इसके ऊपर हम थोड़े से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसे दूसरे ब्रेड से इस तरह से बंद कर देंगे। यहाँ पर हम इसमें घी लगा लेंगे सैंडविच सेकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक साइड से चीज़ सैंडविच में घी लगा दिया था और इसमें मैं ऊपर से भी लगा देती हूँ। यहाँ पर चीज़ सैंडविच एक साइड से अच्छे से गए थे तो मैं इन्हें पलट कर दूसरे साइड से भी अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी। तो यहाँ पर हमारे चीज सैंडविच दोनों साइड से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो आपने देखा कितने कम समय में ये तीनों रेसिपीज़ बन गई और ये रेसिपीज़ जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती हैं। और आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Thank you for watching this video.